नाम फिरोज गांधी, परिचय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति सोनिया गांधी के ससुर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पिता, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दादा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के दादा, नेहरू परिवार के दामाद। पहचान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले हिंदुस्तान की बड़ी हस्ती। नाम रॉबर्ट वाड्रा, परिचय सोनिया गांधी के दामाद, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति। पहचान कारोबारी और संबंधों का फायदा उठाकर अरबों की संपत्ति बनाने के आरोपों से घिरे शख्स। साल 1958, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। संसद में एक से बढ़कर एक सांसद मौजूद थे, उन्हीं में से एक थे फिरोज गांधी। फिरोज गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। वो हिंदी हार्टलैंड के गढ़ रायबरेली से लड़ते थे और उनकी तकरीर बहुत शानदार होती थी। क्योंकि विद्वान थे, पार्लियामेंट में जब बोलते थे पूरा सदन खामोशी से उनको सुनता था, और बहुत से मसलों पे वो अपने ससुर का विरोध भी करते थे और पार्लियामेंट में खड़े होके करते थे। दिसंबर 1958 में लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में मौजूद थे। तभी पंडित नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने एक सवाल उठाकर संसद में हलचल मचा दी। उन्होंने जिस घोटाले पर अपनी ही सरकार को घेरा, उसका नाम था मुंदड़ा घोटाला। यह आजाद भारत का पहला वित्त घोटाला था, और इसका नाम घोटाले को अंजाम देने वाले शख्स हरिदास मुंदड़ा के नाम पर पड़ा। ये एक ऐसा घोटाला था जिसने न केवल देश के खजाने को नुकसान पहुंचाया, बल्कि रिश्तों में भी दरार पैदा कर दी। बहरहाल आपको यह भी बताते चलें कि हरिदास मुंदड़ा कलकत्ता का एक व्यापारी और सटोरिया था। घोटालेबाज हर्षद मेहता की तरह ही कंपनियों के शेयर्स में उसकी भी दिलचस्पी थी। मंदड़ियों और तेजड़ियों के खेल में हरिदास मुंदड़ा एक शातिर खिलाड़ी बनकर उभरा। 1956 तक आते आते कई बड़ी कंपनियों में उसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी हो गई थी। इसी साल भारतीय संसद ने बीमा विधेयक पारित किया। करीब 245 कंपनियों का विलय कर एक सरकारी संस्था का गठन किया गया, जिसका नाम था भारतीय जीवन बीमा निगम। सबसे पहले सरकार ने इसमें 5 करोड़ की पूंजी लगाई थी। 1957 में LIC ने उन 6 कंपनियों के शेयर्स ऊंचे भाव पर खरीदे थे, जिनमें मुंदड़ा ने भी पैसा लगाया था। इसके पीछे मुंदड़ा की सोची समझी साजिश थी। उसकी चाल थी कि जब निवेशकों को पता चलेगा कि उसकी कंपनी में सरकार ने निवेश किया है, तो मुनाफे को निश्चित मानकर दूसरे लोग भी उन कंपनियों के शेयर्स खरीदेंगे। इससे शेयर्स के बाजार भाव ऊंचे होंगे और वो उन शेयर्स को ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमा लेगा। लेकिन ऐसा होता इससे पहले ही भांडा फूट गया। इस पूरे मामले के बारे में जब फिरोज गांधी को मालूम हुआ, तो उन्होंने इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि LIC ने हरिदास मुंदड़ा की कंपनियों के शेयर्स उसे फायदा पहुंचाने के लिहाज से खरीदे हैं। जब इसका जवाब वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी से मांगा गया, तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब दिया। आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट फाइनेंशियल स्कैंडल था, और उठाने वाले भी वो थे जो फिरोज गांधी थे, जो नेहरू के दामाद थे। तो उस समय इसका काफ़ी हंगामा हुआ था, और देख अगर आप उसके बारे में पढ़ें तो पता चलेगा कि उस वक्त करप्शन को लेके इतना उस रिस्पॉन्स होता था, लोग रिस्पॉन्ड करते थे। अब जो है कि करप्शन हाँ चलता है, हो गया है, कि ये तो है, ये तो होता ही है, पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। पर उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त उन्होंने जब इशू उठाया तो फाइनेंस मिनिस्टर को एक इंक्वायरी हुई बकायदा, और फाइनेंस मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ा।
वहीं संसद में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को इसमें घसीट लिया गया। सरकार ने मामला कुछ समय तक टालने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एमसी छागला की अगुवाई में जांच आयोग बिठा दिया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी केस की सुनवाई जनता के सामने हुई हो। कोर्ट रूम के बाहर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए ताकि जो लोग अंदर बैठकर कार्यवाही देख ना पाए वे कम से कम इसे सुन सकें। बताते हैं कि बड़ी तादाद में लोग ये सुनवाई देखने और सुनने जुटते थे। जब जज साहब फटकार लगाते तो लोग जोर जोर से तालियां बजाते थे। आखिरकार ये बात निकलकर सामने आई कि LIC के खरीदे गए शेयर से सरकार को 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। कहते हैं इसी खुलासे के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके दामाद के रिश्ते बेहद तल्ख हो गए। घोटाले का खुलासा करने वाले इंदिरा के पति और राजीव संजय गांधी के पिता फिरोज गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वो शोहरत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, क्योंकि हकीकत ये है कि फिरोज गांधी आजादी के बाद के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी का प्रारूप तैयार किया। अब जरा गांधी नेहरू परिवार के दूसरे दामाद पर आते हैं। वो है प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे वाड्रा से लगातार पूछताछ हो रही है। दरअसल वाड्रा पर पेट्रोलियम और डिफेंस डील में रिश्वत लेने और इन्हीं दलाली के पैसों से लंदन में 8 से 9 संपत्तियां बनाने का आरोप है। केस लंदन के 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर पर एक संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है। ये प्रॉपर्टी 19 लाख पाउंड में खरीदी गई थी और इसका मालिकाना हक रॉबर्ट वाड्रा के पास है। आरोप ये है कि लंदन के संपत्ति को 19 लाख पाउंड में हथियार कारोबारी संजय भंडारी ने खरीदा था और 2010 में इसे इतनी ही रकम में बेच दिया गया। मरम्मत साज सज्जा पर करीब 65,900 पाउंड खर्च किया गया था। इसके बाद भी खरीद दाम में ही प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा को बेची गई। वाड्रा से पूछताछ के पहले चरण में मनोज अरोड़ा, सुमित चड्ढा, सी थम्पी और संजय भंडारी के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा जाएगा। दो दामादों की इस कहानी का लब्बोलुआब ये है कि नेहरू गांधी परिवार का एक दामाद घोटाले को उजागर कर परिवार वालों की ही आंखों की किरकिरे बन गया तो दूसरा खुद ही घोटालों के आरोप में फंस गया। पूरा परिवार, पूरी पार्टी फिलहाल उसके बचाव में